भाई यही अपनी तो मैं दिखा दूंगा फर्स्ट लुक, लो देख लो अभी इसमें क्या लग रहा है भाई, सेंटर लॉकिंग होगी, सेंटर लॉकिंग दो तीन चीजें जो लगवाई थी वो लग। संडे को लोग खाने से छुट्टी नहीं लेते, पीने से छुट्टी नहीं लेते, जिम से पता नहीं क्यों छुट्टी ले लेते, पूरी जिम खाली पड़ी है। और तुम्हारा भाई आज बहुत कड़ी मेहनत करने वाला है, ऑलरेडी कर चुका हूँ पर अभी थोड़ी सी और बाकी है, वो दिखाता हूँ तुम्हें। चले गए आज सीधा स्ट्रेट, चल 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 चल। बढ़िया, 5 4 3 दौड़ मार ले, चल 2 1। गुड मॉर्निंग गाइस, तो फोन आ चुका है, मैं फोन से ही उठाऊं, मतलब 11:30 बज रहे हैं। मैं रात को थोड़ा सा लेट सोया था और लेट सोना की सोने की वजह थी नींद ना आ रहा, जब जिम करिया हो या तो तुम बहुत ज्यादा नींद आ जाए या फिर पूरी बॉडी पेन कर रही थी तो नींद नहीं आई अब। लेकिन जब उठाऊं तो किस चीज से उठाऊं, जब शोरूम से फोन आया कि भाई कहां हो तुम, गाड़ी का क्या करना है, तो फिर मैंने बैंक को फोन करा, बैंक वाले कह रहे भाई वो फोन नहीं उठा रहे यार, मैं उन्हें फोन कर रहा हूँ कि उन्हें पैसे ट्रांसफर करने हैं, वो इनवॉइस वगैरह भिजवा दो, तो फिर मैंने वो भिजवा दिया है, सब कुछ काम ओके हो गया, बाकी सारा प्रोसेस जो बैकएंड का जो काम है वो चल रहा है अभी। हम जा रहे हैं शोरूम में, चलो तीनों चल रहे हैं, वहीं जाकर धरना देंगे, वहीं जाकर बैठेंगे। मैं भी चलूं। ओके चलो, डिलीवरी लेने तो आप चलोगे पर अभी चलो चल रहे साथ ही, अभी तो ऐसे चलते हैं एक बार बिना नहाए, फिर नहा धोकर जाएंगे गाड़ी, जब वो कहेंगे ना कि अब ले जाओ। एक बार हंगामा करने जा रहा है तो हंगामा ना, वो वैसे ही अभी टाइम लगेगा ना, अभी तो मेरे साथ अभी जी टाइम लगेगा ना, अभी कितनी देर लगेंगे अभी तो? पंडित जी दो तीन घंटे, पंडित जी तो बात कर लो, मैं मुंह धो लूं फिर चल रहे हैं, चले पंडित जी चलो, फिर मैं वहां पड़ी पड़ी करूं, चलो छोड़ो आप यहीं रहोगे। हां तो फिर जब डिलीवरी लेने जाएंगे ना जब चलना, अभी आप रेस्ट करो, हम होके आते हैं एक बार, मैं मुंह धो जाऊंगा, पूरा दिन लग जाए तो फायदा क्या, फिर मेरा वहां क्या करूंगी, तुम भी परेशान। हां हां पूरा दिन तो वैसे अभी लगेगा, 3-4 घंटे मेरे ख्याल में, बहुत टाइम लगाती है। हां वो अभी पता है कि दिक्कत ये है, अभी बस जो चीज रह रही है वो ये है कि जो बैंक से जो पैसे जाने हैं शोरूम वालों के पास, तो वो चीज वो इनवॉइस उन्होंने भेज दिया है, वो उनके पास पैसे तैयार रखे हैं, तो वो सारी चीजें करवानी है मेरा, मैं भी उनको बैंक डिटेल मंगवा लेती हूं, मैं भी ऐड कर लूंगा उसमें, फिर मैंने भी तो पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे ना जो बचे उड़े, तो कुल मिला के मामला सेट है, अब निकलते हैं मुंह धोके बस। गाड़ी डिलीवरी का जो टाइम पंडित जी ने बताया हुआ है वो है 2 बजे से शाम के 7 बजे तक, मतलब दोपहर 2 बजे से शाम के 7 बजे तक, उसी टाइम के बीच में आएगी हमारी, क्योंकि हमारे एक दो ताम झाम है वो बाकी, अभी 11:30 बज रहे हैं, अगर हो सकता है जल्दी भी हो जाए पेमेंट, 1 मिनट में भी हो जाएगी, वो जो ट्रांसफर होने की बात है, तो अगर जल्दी हो गई बाय चांस तो हम क्या करेंगे, उन्हें कह देंगे भाई 2 बजे के बाद लेंगे, और अगर जल्दी नहीं हुई तो फिर 2 बजे के बाद ही आएगी, तो फिलहाल तो खा पी के कुछ निकलता है बस, थोड़ी सी नींद खुल जाएगी, फिर उसके बाद यार यार ओके, अगर मूड से बन गया तो नहा के जाना चाहिए, वैसे तो है ना मैं गाड़ी लेके जा रहे, तो आज नहा के जाऊंगा यार मैं, छोड़ो चलो देख ही जाएगी, अब थोड़ा सा और कष्ट सहन कर लूंगा, अपनी बॉडी को और कष्ट दे लूंगा थोड़ा सा, पर नहा के जाऊंगा, तैयार हो यार ओके, मैं सोच रहा था सीधा मैं उस पे जाऊं नहा के, जब डिलीवरी का टाइम आ गया भाई हां ले जाऊं, पर कोई ना नहा ही लेता हूं। पिछली 40 मिनट में 140 फोन आ चुके हैं और कर चुके हैं, मतलब बैंक वाले सारे पूरा वो मेरे से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, फिर मैं जितने को बोल रहा हूँ, जितने बोल रहा है शोरूम वालों पे, शोरूम मेरे पास आ रहे हैं उनके लोन वालों के फोन, अलग अलग तरह था, पिछले 40 मिनट तक फोन इतना बिजी चल रहा था कि 1 मिनट की सांस नहीं मिली, अब जाके सारी चीज होगी, बस अब वो मेरी एक स्टैंप ढूंढ रहे हैं कि मेरी स्टैंप जो लगती है वो कहाँ है, हाफ इंजीनियर वाली, वो स्टैंप पता नहीं सीए के पास है, यहाँ है, मैं एक बार ढूंढ रहा हूँ घर पे भी, वो वहां ढूंढ रहे हैं, वो लग जाए थप्पा लगते ही उसके बाद 2-3 घंटे काम है, सारा प्रोसेस हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ मैं सीधा सा नहा के, नहीं नहा के नहीं बिना नहाए एक बार निकल जाता हूँ शोरूम पे, क्योंकि मेरे को वहाँ पे कुछ पेमेंट करनी पड़ेगी, मैं वो पेमेंट करके उनका जो इनवॉइस वगैरह जो मेरी साइड से क्लियर होना वो सब क्लियर करके, फिर जो बैंक बैंकर आ जाएगा वो वहां से पैसे आते ही गाड़ी उठाओ और अपने घर आ जाओ, तो मैं कुछ खा के सीधा निकलता हूँ वहीं पे, मैं मिनचूर में बना दिया होगा मेरे लिए, बस वो खा के सीधा बैंक निकलता हूँ। ये देखो तुम मेरे साथ नहीं कैसे भेद है, मम्मी भैंस ही हूँ जी मैं, सारा काम सेट हो गया, पेमेंट वेमेंट सब कुछ A to Z सारा काम सेट होगा, बस मेरी शक्ल थोड़ी बुरी लग रही थी तो मैंने सोचा पहले एक बार दाढ़ी वाड़ी सेट करवाया हूँ, उसके बाद डिलीवरी लूंगा, क्योंकि कल मंगल हो जाएगा, सारी वीडियो गंदी बनेगी, शक्ल अच्छी नहीं लगेगी तो फायदा ही क्या, इसलिए पहले मैं एक बार थोड़ा हुलिया ठीक करवाया था, फिर चलते हैं गाड़ी लेने, ठीक है ये नीचे कर देते हैं। जतिन ने इसमें गाय की रोटी अभी तक रख रखी है, काली पड़ेगी रोटी भी, पर इसने दी ना, कोई गाय दिखेगी तो मैं दे दूंगा। फिलहाल मेरे को ऐसा लग रहा है बारिश का सा मौसम हो रहा है कि आज भगवान भी वो सोच रहे हैं कि मेरा यार हंस रहा है, क्योंकि स्कॉर्पियो आ जाएगी तो फिर हंसूंगा ना, तो वो बारिश की जाए वो वाली बारिश हो सकती है, सही बता रहा हूँ, मेरा तो दिल ऐसे धक धक सा कर, ओ गाय बैठी है यार, गाय तो पहले रोटी दे देता हूँ उसके बाद करेंगे बाकी के सारे काम। अभी 2 मिनट के लिए बताना क्या हुआ, मेरा कैमरा बहुत ज्यादा मतलब ब्लर होगा, बिल्कुल चल ही ना रहा था, मैंने गाय तो रोटी दिखाया वो सीन भी तुम्हें ब्लर दिख रहा होगा, मेरे समझ में नहीं आया क्यों होगा, थोड़ी देर से माथा मारा
वो करके सब कुछ उड़ा के दोबारा चला के स्विच ऑफ करके ऑन करा फिर चला सही। मेरे को सबका नहीं पता क्या सीन होता है, लेकिन जब किसी मिडिल क्लास फैमिली में कोई नई चीज आती है ना, कोई बाइक गाड़ी कोई ऐसी चीज आती है, भाई हमारे घर में तो कोई फोन आ किसी का लैपटॉप आ कुछ भी ऐसे भी चीज आवे ना, तो उस दिन तुम ये समझ लो दिवाली सी बन जाए, मतलब ऐसा त्यौहार सा हो जैसे, इतनी रौनक से हो जाओ घर में, वो नई चीज और नई चीज आ रही है। जो ज्यादा रहीस लोग रहे हैं उनके लिए तो ऐसा रहता है कि भाई आ गई चल ठीक है, पता भी ना कहाँ पड़ी है कोई चीज, पर हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है और मतलब उसी हिसाब से हम वो रहे कि एक्साइटमेंट उसी हिसाब की रहे कि वो भाई कुछ आ रहा है। उन्हीं के बेसिस पे मैं यहाँ आया हूँ, मैंने कहा बाल बाल कटवा लूँ यार, ऐसा अच्छा ना लगूंगा ना तो मेरे को खुद को अच्छा नहीं लगेगा, देखना चाहिए बढ़िया, मतलब जैसी भी शक्ल सूरत हो उसके हिसाब से अपना बेस्ट, प्लास्टिक सर्जरी थोड़ी करवा लूंगा। इनके शीशे में कुछ गड़बड़ रहा है, बाहर कितना बुरा लग रहा था यहाँ जाकर ठीक लग रहा हूँ अब देखो, पर कटवाने तो है फिर भी। आ जाओ भाई 20 मिनट में जो मेरी कटिंग वटिंग हो जानी चाहिए थी वो 30 मिनट में हो गया, क्योंकि 10 मिनट में फोन पे बात कर रहा था, हाँ भाई आ रहा हूँ भाई ये भेजना भेज रहा हूँ भाई ये इससे मंगवा दो वो उससे करवा दो, सारा कुछ फाइनल हो चुका है, लेकिन मेरे को एक बार पहले शोरूम जाना पड़ेगा गाड़ी की डिलीवरी से, तो मैं पहले शोरूम जा रहा हूँ अभी फिलहाल। ऊपर से अभी दो मैं जब वापस आ रहा था अपने तो कुछ भाई दो तीन सब्सक्राइबर भाई मिल गए और वो लोग कहते कि भाई फोटो खिंचवाने, मैंने कहा चलो ठीक है खिंचवा लो, वो कहते भाई फोन वहाँ रह गया, अगर वो देख रहे हो भाई तो बुरा मत मानना, मैं बस बता रहा हूँ जनरली ऐसे शेयर कर रहा हूँ। वो फोन लेने गए भाई, फोन लेके आया फिर दूसरा आया फोन लेके अपना अलग से, मतलब उन्होंने भी 5-7 मिनट लगा दिया, मैंने कहा भाई मैं थोड़ा सा लेट, मतलब मैंने सोचा मैंने ऐसा कहा नहीं वरना वो सोचते पता ना किस बात के एंड दिखा रहा है, पर सारा कुछ निपट गया है अब अपना आराम से, अब मैं एक बार शोरूम हुआ आता हूँ और उसके बाद सीधे चलेंगे डिलीवरी लेने के लिए, मतलब घर जाके नहा धो के फिर मैं मम्मी जितने भी सारे जाएंगे एकदम से, फिर मतलब हम सिर्फ नहीं अभी बहुत सारे लोग हमारे पूरे रिश्तेदार पूरा कुनबा जाएगा हमारा, मतलब देखेंगे जो भी जाएंगे, एक बार शोरूम हुआ उसके बाद फिर चलते हैं यार, इसने काट वाट दिया पता ना खुजली चल रही है। मैं तुम्हें बाहर ढूंढ रहा हूँ भाई, तुम ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे हो, ये कौन सी व्हाट्सएप पे भी ऑनलाइन मीटिंग होने लगी है तुम्हारी भाई, यही अपनी तो मैं दिखा दूंगा फर्स्ट लुक, लो देख लो अभी इसमें क्या लग रहा है भाई, सेंटर लॉकिंग होगी, सेंटर लॉकिंग दो तीन चीजें जो लगवाई थी वो लग रही हैं, 15-20 मिनट का देख लो, 15-20 मिनट का काम और है। हाँ तो वो पेमेंट वेमेंट आ गई सारी क्लियर है, हाँ वो हो गई, वो तो आ गया, वो डीओ तो आ गया ना, हाँ बस तो फिर तो सब कुछ सेट है, एक बार मेरे को चेक करवा दो भाई, उसने मेरे को जब तुमने बोला, और इस पे ना स्पेशल नंबर चाहिएगा तो वो लिख देना ऊपर, लिख दूंगा है ना, वो मैं करवा लूंगा, अपना नंबर अपना अलग से ले रहे हैं हम कुछ वैसे वाला, तो भाई मैं भाई ये इसे दुआ हो तो सही आई है तेरे, अभी काम भी होगा आधा घंटा लगेगा इसमें। अच्छा आधा घंटा लगेगा, तो आधा घंटा मेरे को लगेगा, मैं ना दो का आ रहा हूँ करते हैं फिर इसके आराम से डिलीवरी करवाते हैं, बैंक का सारा काम होगा, सेंट लॉगिन वगैरह चेक करवाओगे या कैसे, सब कुछ चेक करोगे बाद में, चलो बाद में ही होगा, पेमेंट वेमेंट का सब क्लियर होगा जो मैंने भेजे थे वो क्लियर है, बस बैंक वाली आनी, वो डीओ तो आ चुका है ना, डीओ के बेसिस पे भी तो हो जाएगी डिलीवरी, क्या बात कर रहे हो भाई, तो वो आ जाएगा वैसे मेरे बैंक बैंक मैनेजर से बात होगी, वो कह रहे हैं करवा के कर रहा हूं, आप एक बार थोड़ा उनको एक दफा फोन कर देना जल्दी करवा, चलो ठीक है मैं आता हूं भैया। इतने आलसी लोग हैं ये, इन्होंने अभी तक गाड़ी धोई ना, मैं ऐसे छो से आ रहे, मैंने कहा यार मेरी गाड़ी अभी जो नई खरीदी भी ना घर भी ना आई, उसके तुमने टायर वायर गंदे कर रखे, खैर चल के आएगी तो गंदे तो होंगे वो मैं समझ रहा हूँ, पर फिर भी अब कोई चीज जैसे कपड़े वपड़े ले हुए हम जब कोई शोरूम कपड़े ले हुए तो पहले हमारा ये रहता है ना कि मतलब ट्राई करके देखा, अगर वो गंदा भी है उसका बटन भी टूट जाए तो हमें फर्क ना पड़े, हम तो कहते हैं भाई सेम साइज में दूसरा पीस निकाल दे, अब इसमें कोई ऐसा ऑप्शन ही ना है कि दूसरा पीस निकाल दे, वही पीस है इसलिए थोड़ा सा ना बुरा लग रहा था, पर वो करवा रहे सारी सफाई वफाई करवा रहे हैं, वो गाड़ी की सफाई करवा रहे हैं, यहाँ मैं घर जाकर अपनी सफाई कर लेता हूँ और फिर गाड़ी लेने चलते हैं, अब किसी तरह की देर नहीं, कोई कोई किसी तरह का कोई भसड़ नहीं, सब कुछ क्लियर हो चुका है, बैंक से मेरी बात हो गई है, वो कह रहे हैं कि सर हमने कर दिया है वो डीओ वीओ पता ना क्या होएगा इनका, वो कह रहे हैं हमने कर दिया है, अगर वो 4:30 बजे तक आपका नहीं शो होता तो मैं खुद जो बैंक मैनेजर है वो अपने भाई जैसे ही बिल्कुल, तो वो कह रहे हैं कि मैं खुद आके मैं खुद करवाऊंगा आपका, आज गाड़ी मिल जाएगी पर किसी भी कीमत पर, आज मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि अगर आज नहीं मिली ना तो कल मम्मी ने लेने देंगे, कल मंगलवार है ट्यूसडे को डिलीवरी नहीं होती गाड़ी की, फिर पंडित जी मुहूर्त निकालेंगे फिर वो बहुत लंबा खिंच जाएगा, तो आज गाड़ी मिलेगी ही मिलेगी, कुछ भी हो जाए आज गाड़ी आ जाएगी घर में, और हमारी मम्मी जी जो तैयार भी नहीं हुई है यार, मम्मी गाड़ी आ चुकी है, मैं गाड़ी देख आया सारे काम हो चुके हैं सब ओके की रिपोर्ट है, ना धो लो तैयार हो लो, है किस लिए अरे तो मैं भी तो तैयार रहूंगा, मैं खुद भी तो अभी ना आऊंगा, तो मैं मम्मी एक चीज सोच रहा हूँ, आप अभी चीकू नहा रहा है तो चीकू जब पहले जतिन तैयार हो लेता, फिर मम्मी आप नहा लो तैयार हो लो, अब तो नहा लिया होगे पर सुबह मम्मी तैयार हो जाते हैं उसके बाद मैं नहा लेता हूँ तैयार हो जाता हूँ, लेकिन एक दिक्कत क्या हो गई, अगर डिलीवरी 7 बजे भी हम लेंगे तो वो 8 बजे तक हम घर आएंगे, एक बार मंदिर मंदिर में भी जाना पड़ेगा, मतलब बहुत सारे काम हो जाएंगे, तो मैं व्लॉग आज नहीं डाल पाऊंगा, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस व्लॉग को मैं यहीं खत्म कर दूँ और फटाफट से एडिट करके डाल दूँ, और कल सुबह जब मैं आज शाम को डिलीवरी आ जाएगी डिलीवरी हो जाएगी गाड़ी की, फिर कल सुबह 11 बजे मैं आपको गाड़ी के डिलीवरी वाला ब्लॉग दिखाऊंगा, तैयार रहना 11 बजे बैठ जाना, मैंने नहीं 10 बजे दिखाऊंगा ठीक, और अगर आप चाहते हो कि मैं उससे पहले मतलब गाड़ी की एक फर्स्ट लुक आपको दिखा दूं, तो इस वीडियो में कम से कम 5,000 अगर कमेंट्स आए तो मैं एक या तो फोटो या फिर शॉर्ट्स बना के डाल दूंगा, मैंने आज तक अपने यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट्स नहीं डाली, मैं शॉर्ट डालने की सोच रहा हूं, तो प्लीज कमेंट करके बताना, फिलहाल इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में सुबह 10 बजे ठीक है, अगर 5,000 कमेंट पूरे हुए तो मैं कोई बढ़िया सी शॉर्ट्स बनाऊंगा, देखूंगा अभी सोचा नहीं मैंने क्या बनाऊंगा, बस बना के डालूंगा जरूर ठीक है, बाय बाय।
चा चा चा।